अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। PM SSS 2021 की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो पोर्टल पे अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। इससे पहले जो परसों आ गई थी वो प्रोविजनल थी, प्रोबेबिलिटी जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी होता है आपका रैंक कहाँ तक जाएगा। देन यहाँ पे जो है आज फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या फ़र्क है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये फाइनल मेरिट लिस्ट भी जो पिछली मेरिट लिस्ट आ गई ये और वो सेम है 110%। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में किसी स्टूडेंट का नाम गलत है, मार्क्स गलत हैं या कुछ गलत है, या डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ की कैंडिडेट आईडी गलत थी या कुछ की कैटेगरी पेंडिंग थी, उनका जो है वो ऐड करके जो इस टाइम इसमें जो है वो फाइनल आ गया है। कुछ स्टूडेंट्स का इसमें मेरिट जो है वो सेम होगा, कुछ स्टूडेंट का है जो आगे पीछे हुआ होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स कम थे या मार्क्स गलत थे, उसके बाद उन्होंने रीवेरीफाई करके उसको ठीक करवाया, तो उसी वजह से जो है आपका रैंक जो है वो आगे पीछे हुआ होगा। आप इसको एक बार देख लीजिए, मैंने टेलीग्राम पर जो है उसको सेंड किया है, तो उसको वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको पोर्टल से भी अपलोड कर सकते हैं। लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है हर अपडेट आपको मिल जाएगा PMSS के बारे में। तो फिलहाल आप जो है इस पर मेरिट लिस्ट को देख लीजिए, इसमें देखो आप अपने नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ और 12th के मार्क्स स्ट्रीम ईयर ऑफ पासिंग वो ठीक है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट की ईयर ऑफ पासिंग गलत है लेकिन मार्क्स ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, वो मसला नहीं है कोई, वो ठीक है, बस ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका इसमें नाम होगा उन सभी को कॉलेज नहीं मिलेगा, इनमें मेरिट लिस्ट में हर स्टूडेंट का नाम होता है जिसने भी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की होगी, उसका नाम इसमें होता है। देन इसके बाद जो है सिलेक्शन लिस्ट अलग से आ जाएगी, वो कल आने वाली है। फिलहाल आप इसको देख लीजिए एक बार, अपना मेरिट वगैरह देख लो, कैटेगरी मेरिट देख लो और आईडी वगैरह सब कुछ देख लो। अगर यहाँ पर ठीक है तो देन ठीक है, अगर यहाँ पर गलत है तो फिर छोड़ दो, वो आपको प्रोविजनल में ठीक कराना था। अगर स्टिल गलत है तो ये फिर ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मे भी अगर गलत होगा किसी को, उसका ठीक भी करा सकते हैं वहां से AICT से, लेकिन ऐसे जो है ये ठीक नहीं होता। उसके लिए जो आपको कल डेट दी थी उसमें ही आपको ये ठीक करनी होती है। फिलहाल आप इतना ही समझ लो, प्रोविजनल और फाइनल अलाटमेंट जो है ये सेम होती है दोनों। इसमें जो है आप अपना फाइनल मेरिट देखो, क्या मेरिट है फाइनल आपका, इसी मेरिट लिस्ट पे आपकी सिलेक्शन होती है। प्रोविजनल पे आपकी सिलेक्शन जो है वो नहीं होती है, इसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन जो 110% होती है। जो आपका मेरिट होगा और जिसके हिसाब से आपने चॉइसेस फिल की हैं, उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन होने के भी चांसेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है, उसके लिए पोर्टल जो है दोबारा से ओपन कर दिया जाएगा। डमी अलॉटमेंट कल जब आ जाएगी उसके बाद 2-3 दिन पोर्टल ओपन रहेगा, देन उसके बाद 5 को फर्स्ट राउंड की सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, वो इसे टोटली डिफरेंट है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं, यही था आपके साथ कुछ अपडेट इस बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में। प्रोविजनल फिलहाल ख़त्म हो गए, अब इसमें आप अपना मेरिट वगैरह प्रेडिक्ट कर लो। देन कट ऑफ वगैरह उसके बारे में भी हमने वीडियोस डाले हैं, बाकी हम देखेंगे कल किस बारे में वीडियो डालेंगे हम, सेकंड राउंड के कट ऑफ या किसी और के बारे में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से जाकर आप उसमें ज्वाइन हो जाए। अगर व्हाट्सअप में अभी तक आप बैठे हैं, व्हाट्सअप उसको प्लीज़ एंड प्लीज़ आप डिलीट कर लो, वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी। रिमूव हो जाओ वहाँ से, लेफ्ट कर लो एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको डाउट इस बारे में है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं।